नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तदनुसार बृहस्पतिवार 3 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, तस्वीरों का रंग चाहे जो कुछ भी हो, किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में टोल दर वृद्धि की गहरी निंदा करते हुए भाजपा सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा है कि लोगों से नए वाहन को खरीदने पर रोड टैक्स पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी टैक्स वसूला जाता है, और यह भी रिकॉर्ड की बात है कि प्रदेश की खट्टर चौटाला सरकार ने पिछले 6 सालों में बार बार प्रदेश के लोगों पर पेट्रोल व डीजल के टैक्सों का भार बढ़ाकर सड़क के सफर को बहुत महंगा कर दिया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दी है। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर व 16 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। उक्त कोर्सों में दाखिले ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। इस वर्ष किसी भी प्रकार की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के इस काल में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर के छात्रों की प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं तो शुरू भी कर दी गई हैं। परीक्षा करवाने से पहले छात्रों की ऑनलाइन राय जानी गई, जिसमें से 1 लाख में से लगभग 50% छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा व लगभग 35% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा देने पर सहमति जताई है। हरियाणा के 60% से अधिक बिजली उपभोक्ता बिजली बिलों की अदायगी के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल की अदायगी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बिजली उपभोक्ता अब से डाकघरों में भी बिल जमा करा सकते हैं। यह सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई है। डाकघरों के इन काउंटरों पर 20,000 रुपये तक के बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और जमा की गई राशि उसी समय बिजली निगमों के सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। हरियाणा में फिर कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1792 नए मामले आए सामने। 15 की मौत। नए केस में सबसे ज्यादा पंचकुला में 216 पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कुल आंकड़ा 68,218 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से अब तक कुल 721 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे जींद विधायक कृष्ण मीणा को गुरुग्राम के मेदांता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD डी भूपेश्वर दयाल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। केंद्र के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें किसान से उद्यमी बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार भी तेजी से प्रयास कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक विशेष आपदा फंड तैयार करने की तैयारी कर रही है, जिससे सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। 1 लाख रेहड़ी फड़ी वालों को भी मिलेगा कर्ज। किसान फसली ऋण आड़ती की बजाय सीधा बैंक से लें, इसके लिए की जा रही है व्यवस्था। अन्नदाता को 0% ब्याज पर दिया जा रहा है लोन, अब और आसानी से मिलेगा। अब धान सीजन में फसल के दाम सीधे किसानों के अकाउंट में भेजने की भी चल रही है तैयारी। चीनी ऐप पर सरकार ने एक बार फिर से लिया एक्शन। पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 ऐप्स पर बैन। सरकार ने इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया। भारत में PUBG को 17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। 15 जून को गलवान झड़प के कुछ ही दिन बाद सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इस बार भी ऐप पर बैन लगाने का फैसला तब लिया गया जब लद्दाख में फिर से तनाव बढ़ रहा है। मानसून सत्र पर भी कोरोना का असर। दोनों सदन अलग अलग समय पर चलेंगे, प्रश्नकाल भी नहीं होगा। विपक्ष का आरोप, लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बनाया बहाना। मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। लोकसभा सुबह 9 से दोपहर 1 और राज्यसभा 3 से शाम 7 बजे तक चलेगी। भारत चीन में लंबे टकराव की आशंका। सेना ने लद्दाख में 2 बार चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। अरुणाचल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय सेना को 20 अगस्त से ही चीन की साजिश की भनक थी, इसलिए जवान तैनात कर दिए गए थे। दक्षिणी पेंगोंग के विवादित इलाके में पूरी तरह भारत का कब्जा। यहाँ की कई चोटियों पर आर्मी मौजूद। अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना के साथ गणपति बप्पा को दी विदाई। 10 दिनों तक गणेश जी की भक्ति और सेवा के बाद भक्तों ने उनकी प्रतिमाओं को तो विसर्जित कर दिया, लेकिन उन्होंने भरे मन से गणपति से हाथ जोड़कर अगले बरस जल्दी आने की भावपूर्ण प्रार्थना भी की। देश भर में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। भारतीय रेलवे दिल्ली अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की बना रही है योजना। पहली ट्रेन 2023 तक चलने की संभावना। तो वहीं दिल्ली अहमदाबाद 886 किलोमीटर ट्रैक के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
अहमदाबाद मुंबई के अलावा देश के हर कोने में बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद रेलवे ने शुरू की। हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। रेलवे की योजना है कि 7 व्यस्त रूट पर बुलेट ट्रेन चलाई जाए। मेट्रो यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी। दिल्ली मेट्रो दिन में 2 शिफ्ट में चलेगी, बीच में 5 घंटे का ब्रेक होगा। जिस स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा वहां मेट्रो नहीं रुकेगी। कोरोना की वजह से मार्च से मेट्रो ट्रेन सर्विस बंद है। 7 सितंबर से शुरू करने की मिली छूट, तो वहीं यात्री स्टेशन पर पैसे देकर मास्क खरीद सकेंगे। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पॉपुलर डांस रियलिटी शो नच बलिए 10 पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। खबरों के मुताबिक शो इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाना था, जिसके निर्माता करण जौहर होने वाले थे। शो की तैयारियां लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद करण जौहर पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया था। इस घटना के बाद चैनल के अधिकारियों के बीच करण के साथ डील करने को लेकर हिचकिचाहट थी। वैसे बता दें कि नई प्लानिंग के मुताबिक नच बलिए 10 को अगले साल के फरवरी महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी करण जौहर या चैनल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कसौटी के फैंस के लिए बुरी खबर। 24 अक्टूबर को होगा कसौटी जिंदगी के का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट। साथ निभाना साथिया 2 करेगा रिप्लेस। आखिरकार एकता कपूर ने शो की क्रिएटिव टीम को स्टोरी लाइन में बदलाव लाकर उसे समेटने का आदेश दे दिया है। अक्टूबर 24 को शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा। कसौटी जिंदगी के की जगह साथ निभाना साथिया 2 लेगा। प्लानिंग के मुताबिक साथ निभाना साथिया 2 अक्टूबर 26 से प्रसारित होगा। बिग बॉस 14 अपडेट। स्वामी ओम के बाद अब कंट्रोवर्शियल जिंदगी जीने वाली राधे मां लेंगी बिग बॉस में एंट्री। पिछले कई सालों से मिल रहा था ऑफर। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो का प्रोमो सामने आते ही लगातार कई ऐसे सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं जो इस साल घर में लॉक होने वाले हैं। इस साल टोटल 16 लोग घर में एंट्री लेंगे, जिनमें 14 सेलेब्स और 3 कॉमनर्स होंगे। बताया जा रहा है कि सलमान खान के शो में इस बार कंट्रोवर्सी से भरी राधे मां बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगी। इस मामले में अब तक चैनल या मेकर्स द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। न्यूजीलैंड के हेड कोच का करार बढ़ा। न्यूजीलैंड को 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले कोच गैरी स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ा। 2023 वर्ल्ड कप में भी टीम के कोच रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी। गैरी स्टेट को 2018 में माइक हैसन की जगह 2 साल के लिए टीम का कोच बनाया गया था। पाकिस्तान तीसरा T20 जीता। इंग्लैंड को लगातार छठी T20 सीरीज जीत से रोका। आखिरी मुकाबले में 5 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन रहा। मोहम्मद हफीज ने 86 और हैदर अली ने 54 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 185 रन बनाए, तो वहीं मोइन अली ने सबसे ज्यादा 61 और टॉम बेंटन ने 46 रन बनाए। फ्री में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका। इसी महीने तक मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। 2016 में 3 साल के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि को केंद्र सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी में आने वाले परिवारों को लाभ मिलता है। बीपीएल परिवार की महिला अपने नाम इस योजना के तहत गैस कनेक्शन ले सकती है। अब आपका मोबाइल से बात करना महंगा हो सकता है। टैरिफ की कीमतों में 30 रुपए तक हो सकती है बढ़त, टेलीकॉम कंपनियों ने दिए संकेत। भारतीय एयरटेल के फाउंडर व चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने पिछले दिनों टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़त के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि अब ग्राहकों को टैरिफ पर ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के डायरेक्टर नितेश जैन का कहना है कि AGR की देनदारी के लिए कंपनियां टैरिफ की कीमतों में 20 से 30 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी कर सकती हैं। अब गांव की तरह शहरों में भी मिलेगा मनरेगा रोजगार। पहले छोटे गांव से इसे शुरू करने की सरकार की योजना है। सरकार इस योजना पर 3500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। मनरेगा के तहत रोजाना की मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। दरअसल अभी भी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई हैं, इसीलिए गांव से शहरों की ओर लौट रही आबादी अभी भी काम की तलाश में है। ATM से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने ग्राहकों की जमा पूंजी की सुरक्षा और सेफ ट्रांजैक्शन के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। नई सर्विस के तहत अगर आप ATM में जाते हैं और अपना बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, तो SBI आपको SMS भेजकर अलर्ट करेगा। अगर ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है तो बैंक के SMS से ग्राहक को ट्रांजैक्शन की सूचना मिलने पर वह तुरंत अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करा सकेगा। स्मार्टफोन पर जियोमार्ट ऐप बना रही है जगह। लॉन्च होते ही 50 लाख से ज्यादा बार हुआ डाउनलोड। बिग बास्केट ग्रोफर्स को कड़ी टक्कर मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 43वीं AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियोमार्ट पर जल्दी ग्रोसरी के अलावा
इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ केयर व फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी उपलब्ध होंगे। जियोमार्ट पर प्रतिदिन के हिसाब से 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। ऑर्डर की यह संख्या ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़ों ने निराश किया है। बेरोजगारी की मार इस कदर है कि इस वक्त हर 10 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। अगस्त में शहरी बेरोजगारी 10% के पार रही, यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों का भी है। अगस्त में बेरोजगारी की दर 7.65% रही तो जुलाई में बेरोजगारी दर 6.66% के मुकाबले अधिक है। बेरोजगारी के मामले में सबसे बुरा हाल हरियाणा राज्य का है। राज्य में बेरोजगारी दर 33.5% है। इसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है, वहां बेरोजगारी दर 27.9% है। इसके बाद राजस्थान और गोवा में बेरोजगारी दर क्रमशः 17.5% और 16.2% रही है। मोराटोरियम यानी किस्त का भुगतान करने की मोहलत बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैंक पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र, लेकिन ऋण लेने वालों को दंडित नहीं किया जा सकता। आगे की सुनवाई आज होगी। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था 2 साल तक के लिए लोन मोराटोरियम बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने की मोराटोरियम अवधि की ब्याज माफी को लेकर भी याचिका दायर की गई है। BSE सेंसेक्स 39,000 और निफ्टी 11,500 स्तर के पार बंद। जी एंटरटेनमेंट के शेयर 8% की बढ़त। सोने की कीमतें 232 रुपए गिरकर 51,270 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,068 रुपए गिरकर 69,822 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। साउथ कोरियन कंपनी किया मोटर्स अपनी न्यू सब कम्पैक्ट SUV सोनेट 18 सितंबर को लॉन्च करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्सशोरूम कीमत 8 से लेकर 12 लाख रुपए के करीब हो सकती है। कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो रही है। इसके लिए कस्टमर को 25,000 रुपए का टोकन अमाउंट देना होगा। बता दें कि किया सोनेट को आंध्र प्रदेश में कंपनी के अनंतपुर प्लांट से तैयार किया गया है। इस कार को भारत से मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया सहित 70 से अधिक बाजारों में निर्यात किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 300 से हो सकता है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी फोल्ड सीरीज का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 लॉन्च कर दिया है। इसके दोनों डिस्प्ले में मिलेगा सेल्फी कैमरा। फोन में कुल 5 कैमरे और 12 GB रैम दी गई है। फोन में 6.2 इंच डिस्प्ले अनफोल्ड होने के बाद 7.6 इंच की में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 12 मेगापिक्सल के 3 रियर कैमरा और 10 मेगापिक्सल के 2 सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। कंपनी ने इस फोन की कीमत $1,999 यानी करीब 1,46,000 रुपये तय की गई है। IBPS ने क्लर्क के 1557 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। इन पदों के लिए कल यानी 2 सितंबर 2020 से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। दिसंबर में ऑनलाइन प्रारंभिक और 24 जनवरी 2021 को मुख्य परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। सऊदी प्रिंस सलमान का फैसला, चेकबुक डिप्लोमेसी खत्म करेगा सऊदी अरब। पाकिस्तान को अब भी चुकाने 5.2 अरब डॉलर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान विदेश नीति में बदलाव कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान और इजिप्ट जैसे देशों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। सऊदी अरब कई दशकों से दुश्मन के दुश्मन को मदद की नीति पर या यूं कहें कि कूटनीति पर चलता आया है। महामारी के दौर में सऊदी को भी काफी आर्थिक नुकसान हुआ। डिप्लोमेसी में बदलाव की यही वजह रही। चीन की हरकतें अब छिपी नहीं रही। अमेरिका ने कहा, दक्षिणी चीन सागर से हिमालय तक आक्रामक रुख दिखा रही है चीन सरकार। भारत के साथ उसके सीमा विवाद पर हमारी नजर है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना ने यह तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि चीन घरेलू और विदेशी मामलों में एक जैसा आक्रामक रवैया अपना रहा है। विदेश विभाग ने कहा है कि माइक पोम्पियो कई बार चीन की हरकतों पर बयान दे चुके हैं। दुनिया भर से कोरोना की रिपोर्ट। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार जूनियर संक्रमित। 6 महीने बाद लोगों के सामने आए पोप फ्रांसिस, तो वहीं दुनिया में 2,58,00,000 केस। दुनिया में अब तक 8,60,000 लोगों की मौत, तो अब तक 1,81,00,000 लोग ठीक भी हुए। अकेले अमेरिका में 62,00,000 से ज्यादा संक्रमित केस। अब तक 1,88,000 लोगों की गई जान। अब बात आज के इतिहास की। मुमताज महल यानी नूरजहां की पुत्री रोशनारा बेगम का जन्म 3 सितंबर 1617 को हुआ। भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 सितंबर 1905 को पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ। देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म 3 सितंबर 1923 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ। भारतीय अभिनेता विवेक ओबराय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हुआ।
भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ। 3 सितंबर 1995 को ईबे की स्थापना की गई और अंत में 3 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने 7.2 अरब में नोकिया को खरीदा।